पारित्रिक परमेश्वर पिता और पुत्र और पौत्रात्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। भजन संहिता 119:105 पर वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लेदी पर और मेरे मार्ग के लिए उछियाला है। आमीन। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महान दया के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए प्रभु कि अब तक आपने हम पर बड़ी दया किया है प्रभु, और अक्षर भला चरवाहा होकर अब तक आपने चरवाही करते हुए आपने मेके को जीवतों की धरती पर रखा है। इसी क्रम में हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन की यीशु के नाम में, आपने हमारे लिए इस लॉकडाउन में भी आपने हमारे लिए ऐसा मार्ग तैयार किया है, ऐसा आपने उपाय किया है प्रभु कि हम हाँ महान परमेश्वर ऑनलाइन चर्च आराधना के रूप में एक दूसरे के साथ में हम जुड़ने पाते हैं। इसी क्रम में प्यार पिता एक बार फिर के हम एक जन हाँ महान परमेश्वर आपके निकट हम लोग आने पाए हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे मध्य में तू आ और परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल दे, ताकि महान परमेश्वर जैसा आपने कहा है धन्य है वे जो धन के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब ईश्वर के नाम में जब बड़ी आशा के साथ बड़ी विश्वास के साथ में आते हैं प्रभु, सचमुच में हम आपके वचनों के द्वारा हम तृप्त होने पाए, हम एक एक जीवन आशीषित होने पाए पिता। सचमुच में आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। इस समय प्यार पिता आपकी जीवित वचन में से हम सुनना सीखना चाहते हैं प्रभु, और आपके विश्वास में आपकी सेवा में मसीह जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रार्थना है प्रभु इस समय तो आप ही हमारा स्वामी हो, हमारा गुरु हो, और परमेश्वर वचन के माध्यम से तू बातचीत कर, वचन के द्वारा तू अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा आपकी योजना और आपकी बातें पूरी होने पाए। हम महान परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर परमेश्वर श्रोतागण है आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक को अपने नियंत्रण में ले ले, एक एक के पापों को क्षमा कर, और ऐसा होने दे प्रभु कि एक एक का मन और ध्यान केवल और केवल आपके ओर लगा रहने पाए, आपके वचन की ओर लगा रहने पाए, और यह समय हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। मेरे जीवन में कोई बल कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे तुझ मुख के साथ तू होकर बातचीत कर, ताकि महान परमेश्वर पिता मेरे मुख से निकलने वाली बातें वो आपकी ओर से होने पाए, और एक एक विश्वासी भाई बहनों के लिए वो आशीष का कारण ठहरने पाए। सारा आदर में हम आपको देते हैं, सारे पापों से क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दर से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए उपदेश वचन को सुनेंगे जो हम सबों के लिए मिलता है। पहला पाठ वचन पत्रस, पहला पत्रस की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय पद 21 से लेकर 25 पद तक। पहला पत्रस चैप्टर 2 वर्स 21-25 हम ध्यान से सुने। प्रभु का वचन इसमें यूं कहता है, मसीह हमारा आदर्श, मसीह हमारा आदर्श, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यही तय। आमीन। सभा सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। एक बार फिर कर उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद मसीह में प्रभु कि एक बार फिर से आपके लिए हमारे लिए ऐसा अवसर को दिया है कि हम पौत्र आराधना के नाम हम लोग एक दूसरे के साथ में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जुड़ने पाते हैं। मसीह में प्रभु सचमुच में जब हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है, जब हमारे जीवन में जब विभिन्न परिस्थितियाँ आती है, विपरीत परिस्थिति आती है मेरे प्रियो, ऐसे समय में मेरे प्रियो वो आप और हम विचलित हो जाते हैं, हम बहुत बार निराश हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम
हम परमेश्वर को हम कोसने लगने लगते हैं, हम परमेश्वर को हाँ मेरे प्रियो हम बुरा भला हम कहना हम शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो हम लोग पुराना नियम का पुस्तक में देखने पाते हैं, जब मूसा इसराइलियों की अगुवाई करके जब वो स्वर्ग कनान की ओर ले जा रहा था, हाँ मेरे प्रियो नाना प्रकार की चुनौतियों के साथ नाना प्रकार के कठिनाइयों के साथ में वे लोग सामना करते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे थे। ऐसे समय में मेरे प्रियो हम लोग देखने पाते हैं कि जो इसराइली गण थे वे लोग मेरे प्रियो भोजन के कारण से, रास्ता के कारण से, पानी के कारण से हम मेरे प्रियो वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। वे लोग मेरे प्रियो परमेश्वर को कोस रहे थे, मूसा को कोस रहे थे। हाँ मेरे प्रियो ऐसे ही आपके साथ में भी होता है, हमारे साथ में होता है मेरे प्रियो। सचमुच में बहुत बार हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हाँ मेरे प्रियो, लेकिन जब हमारे जीवन में इन समस्याओं का, इन कठिनाइयों का, परेशानियों का जब सामना होता है मेरे प्रियो, हम विचलित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम भी हाँ मेरे प्रियो हम बुरा भला हम कहना हम शुरू कर देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आपको और हमको जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, चाहे कठिन दौर से गुजर रहे हो मेरे प्रियो, हम मसीह जिम्मेदारियों को हम ना भूलें। हमारे प्रियो मसीही जीवन जीना कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो। हाँ, इस बात को आपको और हमको जानना है मेरे प्रियो कि मसीह के साथ में चलना आसान बात नहीं है। लूका 9 उसका 27 से आगे पद में देखते हैं, वचन कहता है कि जो मसीह यीशु के पीछे होना चाहते हैं वे लोग अपना क्रूश उठाए, वे अपने आप का इनकार करें। हाँ मेरे प्रियो, जब आप और हम जब मसीह के साथ में जब जीवन को व्यतीत करते हैं, उस क्रूश को ढो के चलते हैं मेरे प्रियो, अर्थात क्रूश को ढोना अर्थात मेरे प्रियो सताहट, निंदा, लज्जा, विरोध, हाँ मेरे प्रियो, और इन बातों को लेके चलना कोई मेरे प्रियो आसान बात नहीं है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति हम विश्वस्त बने रहे, हम मेरे प्रियो धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करें और अपने इस जीवन से हम गवाही दें और परमेश्वर की हम महिमा और परमेश्वर की हम स्तुति करें। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को जानने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो आज के जो हम लोग पत्री वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम इसी बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर पत्रस मसीहों के नाम इस पत्री को लिखता है, जिसे मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग कहा गया है, और उन मसीहों को लिखता है मेरे प्रियो जो मसीह मेरे प्रियो एशिया माइनर के उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पत्रस ने उन मसीहों के नाम लिखा मेरे प्रियो जो मसीही गण एशिया माइनर के उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और मेरे प्रियो उनके विश्वास के कारण से मेरे प्रियो उन्हें सताहट आ रही थी, वे दुख का, संकट का वे लोग सामना कर रहे थे, और इस पत्री के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा पत्रस उन्हें उत्साहित करना चाह रहा था, पत्रस उन्हें उनके हिम्मत को बढ़ाना चाह रहा था, और ये उन्हें बतलाना चाह रहा था कि हम ऐसे संकट के समय में, ऐसे सताहट के समय में, ऐसे दुख के समय में हम धीरज ना खोएं, हम आशा ना खोएं, हम परमेश्वर के उस दुख को स्मरण करें जो हमारा आदर्श है, उस दुखित यीशु को स्मरण करें जो हमारा एक उदाहरण है, जिन्होंने भी हम पापी मानव के उद्धार के लिए, हम पापी मानव के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूश में बलिदान कर दिए, और उन्होंने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कोड़े को मार को सहा, हमारे लिए वो लहू को बहाए कि हम छुड़ाए जा सकें, हम बचाए जा सकें और धार्मिकता का जीवन को हम व्यतीत कर सकें। हाँ मेरे प्रियो, पत्रस इस पत्री के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा इस बात को वो बताना चाह रहा है। यशायाह 53 उसका 7 पद को भी देखते हैं प्रियो, जो उन्हें सताया गया, उन्हें मारा गया, लेकिन तो भी वो एक बद किए हुए मेमने के समान में वो शांत रहा, वो चुप रहा। और आज के वचन में भी हम लोग देखने पाते हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ मेरे प्रियो, पत्रस उन विश्वासियों को इस पत्र के द्वारा बतला रहा है कि यीशु मसीह पर भी जब दोषारोपण किया गया, जब उन्हें सताया गया, जब उन्हें मारा गया, उनके चेहरे पर थूका गया, मेरे प्रियो वो उनका विरोध नहीं किया, लेकिन वो मानव जाति के उद्धार के कार्य को वो अधिकारी से विश्वस्तता के साथ में वो पूरा किया।
हाँ मेरे प्रभु, ऐसे समय में इस पत्र को लिख रहा है जब परमेश्वर के चुने हुए लोग जो मसीही लोग हम मेरे प्रभु संकट से गुजर रहे हैं, जब उन पे दुखों का बादल छा गया है, जब मेरे प्रभु वो लोग तितर बितर होकर वो लोग लुक लुक कर छिप छिप कर वो मसीह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मेरे प्रभु पत्रस उनको उत्साहित करता है कि वे लोग ऐसे संकट के घड़ी में भी वे परमेश्वर पर अडिग रहे, वे परमेश्वर पर स्थिर रहे। इब्रानी 12 उसका 3 पद में वचन कहता है कि तुम उस परमेश्वर पर ध्यान करो जिस परमेश्वर ने अपने विरोध में विरोधियों का विरोध को यहां तक सह लिया कि हम अपना साहस को ना छोड़े। हाँ मेरे प्रभु, मसीह जीवन जीना कोई आसान बात नहीं है, नंगी तलवार में खाली पैर चलने के समान है। मेरे प्रभु सोची कितनी बड़ी बात है, मेरे प्रभु मसीह जीवन जीना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन एक धारदार और नंगी तलवार में नंगे पांव चलने के समान है। मेरे प्रभु आज आपके लिए हमारे लिए भी सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रभु, कि जब आप और हम जब मसीह के साथ में चलते हैं हमारे जीवन में भी समस्याएं आएगी, हमारे जीवन में भी तकलीफ आएगी, हमारे जीवन में भी मेरे प्रभु बाधाएं आएगी, ऐसे समय में भी मेरे प्रभु हम धीरज के साथ में हम विश्वस्तता के साथ में हम धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करें और अपने आप को मेरे प्रभु हम परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें, क्योंकि वो मेरा हम एक एक का चरवाहा है, हम एक एक का रखवाला है मेरे प्रभु। और जब आप और हम जब विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं मेरे प्रभु, हम एक एक को सारे लोग छोड़ देते हैं, हमारे प्रिय जन छोड़ देते हैं, हमारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि वो आपके साथ में जगत के अंत तक रहेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रभु। लेकिन बहुत बार मेरे प्रभु आपको और हमको लगता है कि जब आप और हम संकट से गुजर रहे हैं, जब आप और हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, जब आपके जीवन में सताहट आ रही है, परमेश्वर ने आपको और हमको छोड़ दिया है। लेकिन मेरे प्रभु विश्वास को हम जाने कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और वो ना केवल चरवाहा है मेरे प्रभु, लेकिन वो अच्छा चरवाहा है, वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। जब आप मसीह के कारण से दुख उठाते हैं, जब मेरे प्रभु आप परमेश्वर के कारण से जब आप दुख उठाते हैं, अच्छे कामों के कारण से दुख उठाते हैं मेरे प्रभु, परमेश्वर आपके साथ में रहता है। दूसरा इतिहास 19 अध्याय और उसका 11 पद वचन साफ साफ कहता है, यहोशापात अपने लोगों से कहता है कि जो लोग भले काम करते हैं, जो लोग मेरे प्रभु भलाई के जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के साथ में रहता है। और मेरे प्रभु पहला पत्रस 2 उसका 19 पद में वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर का विचार करके यदि हम दुख सहते हैं, यदि हम तकलीफ सहते हैं, तो ये हमारे लिए सुहावना है। हाँ मेरे प्रभु, आज हम अपने मसीह होने के मर्म को हम जाने मेरे प्रभु, यदि हम मसीह के अनुयायी हैं, यदि हम मसीह के साथ में चलते हैं मेरे प्रभु, तो सचमुच में आपको और हमको भी दुख सहने के लिए, आपको कष्ट सहने के लिए आपको तैयार रहना है मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आज आपके लिए हमारे लिए आज बहुत ही आज सोचने की आवश्यकता है, आज विचार करने की आवश्यकता है मेरे प्रभु, कि क्या जब आप और हम जब मसीह के साथ में चलते हैं, क्या आज हम समस्या सहने के लिए हम तैयार हैं, हम कष्ट सहने के लिए हम तैयार हैं। मेरे प्रभु मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से लेकर 41 पद में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में गलील सागर में वे किनारे की ओर बढ़ रहे थे, आंधी और तूफाने आई, यीशु मसीह गहरी नींद में सो रहे थे, और मेरे प्रभु जब चेले गण वहां पर कोशिश किए, प्रयास किए, और मेरे प्रभु आंधी और तूफान जब शांत नहीं हुआ, लहरें मेरे प्रभु शांत नहीं हुई, और जब वे लोग डूबने पे थे, वे लोग चिल्लाने लगे और यीशु मसीह को कोसने लगे, और वे कहने लगे क्या यीशु मसीह को हमारा ध्यान नहीं है, हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं और यीशु मसीह क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है। यीशु मसीह ने उठा और कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, और उन्होंने आंधी और तूफान को शांत किया। हाँ मेरे प्रभु, जब आप और हम मसीह के साथ में चलते हैं, ऐसी आंधी और तूफान की बात आती है, ऐसे समस्या की बात आती है, लेकिन क्या आप और हम मसीह के लिए, हाँ मेरे प्रभु, हम आज संकट सहने के लिए तैयार हैं, हम कष्ट सहने के लिए हम तैयार हैं मेरे प्रभु। आज सोचने की बातें हैं, आज विचार करने की बातें हैं मेरे प्रभु, क्या ऐसे समय में भी हम परमेश्वर के साथ में विश्वस्त हम रह पाते हैं। आज थोड़ी थोड़ी बातें आती है और हम मेरे प्रभु क्या करते हैं, हम दुख को सहना नहीं चाहते हैं। जब मेरे प्रभु आप यीशु मसीह का जब आप सेवा करते हैं, एक प्रचारक के रूप में, एक पादरी के रूप में, युवा संघ और महिला संघ के अधिकारी के रूप में, मेरे प्रभु बहुत बार आपको डांटा जाता है,
बहुत बार आपको गाली दिया जाता है, बहुत बार मेरे को आपको अच्छे कामों के लिए भी आपको बोला जाता है, ऐसे समय में आप पर हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा गौर करें मेरे प्रियो, ऐसे समय में आप पर हम लोग विचलित हो जाते हैं और आप पर हम लोग क्या बोलते हैं कि फलना व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, फलना व्यक्ति ने ऐसा कहा, चेयरमैन ने मुझे ऐसा कहा, पेरिस खजांची ने ऐसा कहा, प्रचारक ने ऐसा कहा, आज के बाद मैं सेवा नहीं करूँगा। हाँ सोचिए मेरे प्रियो, वहां पर मछलियों पर सताहट आ रही थी, उन पर ताड़ना दी जा रही थी और वे लोग तितर बितर होकर जीवन को व्यतीत कर रहे थे और उनके लिए कहा कि नहीं, मछली भी भले काम के लिए दुख उठाया है, आज आपको हमको भी मेरे को उस दुख को उठाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि मछली का विचार करके जब दुख आते हैं ये आपके लिए हमारे लिए सुहावना है मेरे प्रियो। आज क्या जब दुख और तकलीफ जब आपको दी जाती है, क्या आज हम मसीह पर विश्वस्त रहते हैं, क्या हम मसीह यीशु पर स्थिर रहते हैं मेरे प्रियो? आज हम विश्वास जाने के यीशु मसीह के लिए, हम धर्म के लिए, आज हम मेरे प्रियो संकट को हम लेना नहीं चाहते हैं, हम दुख को उठाना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। हाँ, और यही कारण तो होता है मेरे प्रियो बहुत बार क्या होता है कि हम फैसिलिटी खोजते हैं, हम सुविधा खोजते हैं मेरे प्रियो। हाँ, मैं बहुत बार देखता हूँ जो युवा संघ जाते हैं, युवा सम्मेलन जाते हैं, महिला सम्मेलन जाते हैं, उन लोगों के मुख से मैं सुनता हूँ कि जब मैं युवा सम्मेलन गया था, मैं महिला सम्मेलन गया था, क्या हुआ था, वहाँ रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं किया गया था, वहाँ खाने पीने का व्यवस्था सही से नहीं किया गया था, यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं था, यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं था मेरे प्रियो। थोड़ा सभी वो लोग दुख को सहना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ हमारे ही बीच के हमारे उन हमारे मुसलमान भाइयों के लिए मेरे प्रियो, देखिए वे लोग कड़ी धूप में भी रास्ता में बैठकर वे लोग आराधना करते हैं, इबादत करते हैं मेरे प्रियो, कड़े धूप में, ना उनके पास पंखा है ना कुछ है, लेकिन मेरे रास्ता में भी बीच सड़क में, आज आपके लिए कुर्सी है, आज आपके लिए टेबल है, लेकिन तो भी मेरे प्रियो आपको क्या चाहिए, आज आपको फैसिलिटी चाहिए, आज हम दुख का सामना नहीं करना चाहते हैं। कैसे होगा मेरे प्रियो आज मसीही जीवन? सोचिए कि जिस तरह से पतरस ने उन लोगों को मसीहों को चिट्ठी लिखा, ऐसे संकट में थे, ऐसे सताहट में थे, यदि आपके साथ में ऐसा होता तो क्या आप और हम यीशु मसीह में विश्वस्त रहेंगे? ये सोचने की बात है मेरे प्रियो, ये विचारने की बात है मेरे प्रियो आज आपके लिए। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यहोवा आपका चरवाहा है और परमेश्वर आपके जीवन को संभालेगा मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में संकट आए, आपके जीवन में चुनौती आए, आपके जीवन में बाधाएं, तब भी आप और हम परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की महिमा में हम जीवन को व्यतीत करेंगे। और इस बात को दाऊद भले भांति जानता था मेरे प्रियो, और इसीलिए दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। और उन्होंने कहा मेरे प्रियो भजन संहिता 23 उसका 4 पद में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद को पता था कि जो भला चरवाहा है, जो अच्छा चरवाहा है, जो यहोवा है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे हम संकट से गुजरते हैं, चाहे दुख तकलीफ से गुजरते हैं, विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। और इस बात को दाऊद भले भांति जानता था। जब साउल राजा जब दाऊद के जान के पीछे पड़ा हुआ था, ऐसे समय में परमेश्वर ने साउल से दाऊद की रक्षा रखवाली किया था, और इस बात को दाऊद जानता था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ मेरे प्रो, जो भी की कठिनाई होती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं मेरे प्रो, परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन को रखा है। योहन्ना 10 उसका 10 से आगे अपन पढ़ते हैं कि चोर इसलिए आया है ताकि हत्या करे, हम जो विनाश करे, नाश करे, लेकिन यीशु इसलिए आया है ताकि जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और वे एक अच्छा चरवाहा बन के आया है मेरे प्रियो, और वचन कहता है कि जो एक अच्छा चरवाहा होता है वो अपने भेड़ों के लिए वो प्राण को देता है। जब आप दुख में होते हैं, जब वो तकलीफ में होते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, आपको नहीं त्यागता है मेरे प्रियो। और इसीलिए आज आपको आवश्यकता है कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति से गुजरते हैं, जिस भी हम विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर विश्वस्त रहें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद में वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्राण देने तक तू विश्वास रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आज उन मसीहों के जैसा जिनको पतरस ने पत्र लिखा, आज हम एक को मसीह में मेरे प्रियो विश्वास रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आने वाला समय में भी आपके लिए, हमारे लिए नाना प्रकार की चुनौतियां आएंगी, हम प्रियो आपके जीवन में सताहट आएगी, ऐसे समय के लिए आपको और हमको तैयार रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर में विश्वस्त रहने की आवश्यकता है मेरी प्रियो। हाँ, आने वाला समय में आपके जीवन में मेरी प्रियो धर्म के कारण से आपको आपके जीवन में सताहट आएगी,
चार बातों को देखेंगे मेरे प्रियो, जिसके कारण से आपके जीवन में सताहट आएगी, धर्म के कारण से। पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसका 14 पद वचन कहता है कि यदि तुम धर्म के कारण से दुख भी उठाओ तो तुम क्या हो, तुम धन्य हो। हाँ, वचन साफ कहता है कि लोगों के तुम डराने से तुम मत डरो, तुम मत घबराओ, लेकिन तुम धर्म के कारण से तुम दुख उठाते हो तो तुम धन्य हो। हाँ मेरे प्रियो, आपको और हमको हमको धर्म के कारण से सताहट आएगी, चाहे आए चाहे आ मेरे प्रियो, धर्म के लिए आपको दुख उठाने के लिए आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। मैंने कहा मेरे प्रियो कि लोग सम्मेलन जाते हैं, वहां जाते हैं, केवल शिकायत करते हैं, मसीह के लिए थोड़ा सा भी दुख उठाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। मैं कलकत्ता में था मेरे प्रियो, मैं स्मरण करता हूँ कि लोग धर्म के लिए कितना वो लोग परिश्रम करते थे। मेरे प्रियो वहां पर 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे प्रियो हावड़ा चर्च से उनका परिवार था, एक एक परिवार, लेकिन 1 घंटा दूर से वे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए, वे लोग मेरे ट्रैफिक जाम में फंसते हुए वो लोग चर्च आते थे। हाँ सोचिए, और आज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, हमारे आंगन में चर्च है, हमारे द्वार में चर्च है, और आज हम लोग चर्च नहीं जाना चाहते हैं। आज बगल टोला में हमारा समाज है और आज हम लोग वहाँ हम लोग समाज के लिए जाना नहीं चाहते हैं। आज आपके घर में आज बाइबल है, हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। आज टीवी देखने के लिए आपके पास समय है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए थोड़ा सा हम समय देना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। धर्म के लिए अगर आप दुख उठाते हैं, आपको कठिनाई होती है मेरे प्रियो, तो सचमुच में आप धन्य हैं, इस बात को जाने। हाँ मेरे प्रियो, धर्म के कारण सताहट होगी, लेकिन ऐसे समय में भी आपको परमेश्वर के साथ में चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर में स्थिर रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ में मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 16 पद वचन कहता है कि मसीह होने के कारण तुम दुख भी पाओ तो तुम लज्जित ना हो। हाँ मेरे प्रियो, मसीह होने के कारण से बहुत बार आप पर दुख आएगी, आप पर संकट आएगी, आप पर तकलीफ आएगी मेरे प्रियो, लेकिन इस बात में भी आपको जानना है कि आप अपने मसीहत को इनकार ना करें मेरे प्रियो। पत्रस इस बात को जानता था कि जब यीशु मसीह को कहा गया था क्या तू जीवित है परमेश्वर का पुत्र है, वो इनकार नहीं किया, लेकिन कहा हाँ ये तुम अपने आप ही कह रहे हो और मैं हूं। हाँ मेरे प्रियो, मसीह होने के कारण से बहुत बार आप पर सताहट आएगी जैसे कहा, लेकिन वचन कहता है यदि मसीह होने के कारण सताहट आए तो तुम लज्जित ना होना। मेरे प्रियो आज बहुत आवश्यकता है कि धर्म के कारण से आपने सताहट आएगी, मसीहत होने के कारण से सताहट आएगी, लेकिन आपको हाँ मेरे प्रियो आज उन विश्वासियों के जैसा आज स्थिरता के साथ में मसीह जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वो जो अच्छा भला चरवाहा है, जो आपके लिए प्राण देता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करेगा, वो चरवाहा आपकी शुद्धि लेगा, वो परमेश्वर आपको संभालेगा। इसी के साथ में मेरे प्रियो मैंने चार बातों को कहा था, इसी के कारण से हम इसी के साथ में तीसरी बातें हैं, मसीह के नाम के लिए आप पर दुख और समस्या आएगी मसीह के नाम के कारण से। प्रेरित क्रिया 9 उसका 16 अध्याय में कहता है मेरे प्रियो, प्रेरित 9 उसका 16 में मेरे नाम के लिए पौलुस को, जो साउल था, जो पौलुस बन चुका, उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से क्या करना पड़ेगा, उसे दुख उठाना पड़ेगा। आज आपके लिए हमारे लिए भी ऐसी बातें आएगी कि यीशु मसीह के नाम के कारण से आप में ऐसी बातें आएंगी, ऐसे समय में भी आपको और हमको मेरे प्रियो सतर्क रहना है, ऐसे समय में परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है और मसीह जीवन को धार्मिकता के साथ में व्यतीत करना है मेरे प्रियो। और इसी के साथ में मैं चौथी बात बोलकर मैं अंत करना चाहूंगा मेरे प्रियो, 2 तीमोथी 3:12 पर। हाँ मेरे प्रियो, जितने लोग भक्ति के साथ में जीवन को व्यतीत करना चाहेंगे वे लोग सब सताए जाएंगे मेरे प्रियो, अर्थात भक्ति में आचरण के कारण से आप पर सताए जाएंगे मेरे प्रियो। बहुत बार आप भक्ति का जीवन को व्यतीत करना चाहेंगे, हम उस भक्ति के कारण से आपके जीवन में समस्या आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन इस बात को स्मरण करें कि यीशु मसीह हमारे उदाहरण बन गया है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह भी भले काम के लिए, हम मानव जाति के उद्धार के लिए दुख को सहा, कठिन को सहा, और आज हम भी भक्ति का जीवन व्यतीत करने के कारण से समस्या आएगी, लेकिन हम मेरे प्रियो हम हटने वाले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे मेरे प्रियो, और जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए महिमा का मुकुट को रखेगा। कुलुसी उसका 1:17 पद में वचन कहता है मसीह जो महिमा का आशा है। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जो महिमा का आशा है वो आपको महिमा का मुकुट देगा। पहला पत्रस 5:1 पर यदि आप उन दुखों का सामना करते हुए अगर आप धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करते हैं, यदि आप अपने चरवाहे के पास लौट के आते हैं, उस जीवन देने वाला परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर आपको महिमा का मुकुट देगा मेरे प्रियो।
और इसीलिए आज बहुत ही आवश्यकता है कि ये पत्री उन विश्वासियों को लिखा गया था, उन मसीहों को लिखा गया था जो संकट सह रहे थे, जो दुख में थे मेरे प्रियों, तितर बितर होकर जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और इन वचन को पाकर मेरे प्रियों वो उत्साहित हुए। और आज के लिए आपके लिए हमारे में परमेश्वर ऐसे ही चाहता है कि धर्म के कारण से आपके जीवन में समस्या आएगी, मसीह होने के कारण से आप में समस्या होगी, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के कारण से समस्या आएगी मेरे प्रियों, मसीह के नाम के कारण से होगी, लेकिन वहाँ पर हम हमारे प्रियों परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़ें। इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ में भी। आइए हम सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ईश्वराम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पौत्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़की लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपने जीव का पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की तकिती और दुख में हैं और उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पौत्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सकें। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब तक आपने हम पर बड़ी दया किया है, अनुग्रह किया है प्रभु, और अच्छा भला चरवाहा होकर आपने हमारी चरवाही किया है और अपने विश्वास में रखा है। पिता, आपकी स्तुति, महिमा और आप ही के नाम की हम जय जयकार करने पाते हैं। इसी क्रम में आपका धन्यवाद करते खुदावन यीशु के नाम में, आज के पौत्र विश्रामवार के दिन आपने हम एक एक को परमेश्वर पिता ऑनलाइन आराधना के द्वारा जोड़ा है प्रभु कि हम एक मन एक चित्त होकर आपकी स्तुति और आप ही की महिमा करने पाए हैं। हाँ महान परमेश्वर, आपने कहा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज जितने लोग महान परमेश्वर की आराधना में जुड़े हैं प्रभु, आज एक एक के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, एक एक के परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनके जीवन को तू आशीष दे, उनके परिवारों को तू आशीष दे, और महान परमेश्वर जिस तरह से आपने दाऊद का चरवाहा बन के आपने उनके जीवन को संभाला, आज इन पीढ़ियों को तू संभाल, उनके जीवन को तू संभाल, उनके बाल बच्चों को संभाल, उनके नौकरी पेशा को तू संभाल परमेश्वर पिता। और यीशु के नाम में तो एक एक को तो बहुत आपका जीवन दे ताकि जब आप पर विश्वास करते हैं, जब आप पर आशा रखते हैं महान परमेश्वर, एक एक का जीवन धन्य होने पाए। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो बीमारी की अवस्था में है। हाँ महान परमेश्वर, तो चंगा करने वाला प्रभु है, तो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, तो अपने लोहानी हाथों से तो बढ़ा और यीशु के नाम में तो छू ले और चंगाई का दान दे ताकि एक एक जन सुस्वस्थ होकर आप ही के नाम को धन्यवाद और आप ही के नाम को ही महिमा देने पाएंगे। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
जो आज भी आपके संगति से दूर में है, यीशु नाम की ज्योति चमका ताकि वो आपके पास लौट के आने पाए और आप ही की महिमा करने पाए। इसी क्रम में हम स्मरण करते हैं महान परमेश्वर, इस समय आपके दिव्य दान में से, आपके दिव्य मुट्ठी में, हम आशीष में से हमने मुट्ठी खोलकर, हृदय खोलकर हमने दान अर्पण किया है, सिरनी दान, मुट्ठी दान परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे आशीषों का दाता इन दानों को ग्रहण कर, इन दानों को आशीष दे ताकि इस दान के द्वारा आपकी सेवा और आप ही की महिमा होने पाए। हर एक देने वाले हाथों को आशीष दे, जिस खत्ते से, जिस भंडार से देते हैं प्रभु, उनके खत्तों को, उनके भंडारों को भी तू आप ही बहुत अच्छा आशीष प्रदान कर। एक बार फिर से पूरे मंडली पेरिस को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अब तक आपने पूरे मंडली पेरिस को संभाला है, आने वाले दिनों में भी तू संभाल ताकि ऐसे ही आपके विश्वास में आगे बढ़ने पाए, आपके भक्ति में बढ़ने पाए और आप ही की महिमा और आप ही के नाम की गवाही देने पाए। इसी क्रम में प्यार पिता प्रार्थना करते हैं बाबू अनमोल के लिए और उनके हर एक सहयोगियों के लिए जिन्होंने परमेश्वर आराधना में उन्होंने सहयोग दिया है। हाँ पिता, आपके महिमा के लिए सामने आए हैं, उनके जीवन को आशीष दे, उनके घर परिवार को आशीष दे प्रभु, उनके हर एक कामों में आशीष दे, उनके हर एक पढ़ाई में आशीष दे ताकि यीशु के नाम में जब आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम में इनका जीवन धन्य होने पाए, आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी, पूरे विश्व को, संसार को आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरे संसार पर तू दया दृष्टि कर, अनुग्रह कर। आकाश और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला प्रभु, आज पूरे संसार में कोरोना का प्रकोप है, तो अपने लुहानी हाथों को तू बढ़ा और सामर्थ्य परमेश्वर तू आप ही उस कोरोना के सामर्थ को तू आप ही नष्ट कर दे। हाँ परमेश्वर, कोरोना के बीमारी को तो दूर कर दे प्रभु जी, ताकि एक बार फिर से पूरे संसार में अमन, चैन और शांति आने पाए। प्रशासन की ओर से जो भी कदम उठाया जा रहा है, जो पहल किया जा रहा है, योजना तैयार की जा रही प्रभु, उन हर एक योजना में, हर एक कार्यों में बहुत अच्छा आशीष प्रदान कर। जितने भी परमेश्वर इसे, हाँ परमेश्वर, समस्या में जितने लोग परमेश्वर पिता का सामना करने के लिए सेवक सेविकागण सामने आए हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, हाँ महान परमेश्वर पुलिसकर्मी है, जितने भी सेवा कर्मी है प्रभु, एक एक को तो आशीष दे, भला चंगा का जीवन दे और एक एक को सुरक्षा प्रदान कर ताकि सच्चाई के साथ में वो अपने कार्य को पूरा करने पाएंगे। उनके घर परिवारों को भी तो आप ही आशीष प्रदान कर। कितने परमेश्वर कोरोना से पीड़ित हैं, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं, तो चंगा करने वाला प्रभु है, तो अपने लुहानी हाथों से स्पर्श कर और एक एक को चंगाई का दान दे। ऐसे समय में कितने लोग बेसहारा है, कितने लोग भूखे और प्यासे हैं प्रभु, एक एक सहारा तू है। हाँ परमेश्वर, तो गिरे हो को उठाता है, झुके हो को सीधा करता है, बलहीन को बल और सामर्थ्य को सामर्थ्य देता है, एक एक सहारा तू हो और एक एक को संभाल और एक एक को तू आप ही भला चंगा का जीवन अधिकाश प्रदान कर। जैसा आपने विगत दिनों में हम सबों को संभाला है पिता, आने वाले दिनों में भी तू संभाल, अगुवाई कर ताकि आप ही की महिमा करते हुए हम परमेश्वर जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। इसी क्रम में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का ताने ठहर और उन पर जो अंधियार में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बहुत किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, भ्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासियों, दिन मन होकर त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख पर का तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख पर का तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। आमीन। यीशु सहाय।